खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताएं। महेश जोशी द्वारा लिखे गए एसीबी को पत्र से जुड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ एसीबी को लिखा था पत्र। पत्र की एसीबी ने जांच करना किया शुरू। एसीबी ने प्रकरण में की एसआईआर दर्ज। एसीबी तकनीकी माध्यम से लगा रही इस पूरे प्रकरण का पता। एसीबी इंटेलिजेंस के माध्यम से भी लगा रही पता। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने दी जानकारी। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। एसीबी इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पता लगा रही है। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने जानकारी दी एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की यह बड़ी खबर। महेश जोशी द्वारा लिखे गए एसीबी को पत्र से ये खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ एसीबी को लिखा था पत्र। पत्र को की एसीबी ने अब जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने प्रकरण में एसआईआर दर्ज की। एसीबी तकनीकी माध्यम से लगा रही है इस पूरे प्रकरण का पता। एसीबी इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पता लगा रही है। एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी है। तो एसीबी मुख्यालय से इस वक्त की यह बड़ी खबर, महेश जोशी द्वारा लिखे गए एसीबी को पत्र से जुड़ी खबर। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, लगातार हम बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी जांच होगी, अब बड़ी खबर आ रही है, शुरुआत हो गई है जांच की, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल, आज से एसीबी की बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जो महेश जोशी ने एसीबी को पत्र लिखा था विधायकों से खरीद फरोख्त का, लेकिन किसी पार्टी का इसके अंदर नाम नहीं था। इस पूरे प्रकरण में एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, यानी सोर्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जो एसीबी ने दर्ज कर ली है। और इसकी जांच है, जो एसीबी की जो इंटेलिजेंस शाखा है उसको एसीबी ने इस पूरी जांच को सौंप दिया। साथ ही एसीबी तकनीकी माध्यम से भी ये पता लगा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राजस्थान में मोटी रकम आई है जो विधायकों को देने के लिए, तो एसीबी अब उन्हीं चीजों का पता लगा रही है तकनीकी माध्यम से। और तकनीकी माध्यम से पता लगा पर एसीबी हो सकता है इस पूरे प्रकरण में कोई बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। अगर एसीबी कोई जांच में अगर मिलता है कि रिश्वत का लेन देन होना है और खरीद फरोख्त होनी है विधायकों की, तो एसीबी बड़ा एक्शन भी उठा सकती है। बिल्कुल नवीन, और कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद की जाए कि क्या कुछ नाम भी सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, एसीबी तकनीकी माध्यम से इस पूरे खेल का पता लगाने के अंदर लगी हुई है। परसों जिस तरह से महेश जोशी ने एसीबी को पत्र लिखा था और उस पत्र के बाद में एसीबी ने तुरंत अपना एक्शन लिया, और एक्शन के बाद में आज एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब एसीबी की जो टीमें हैं वो पूरी इस जांच के अंदर जुट चुकी हैं। एसीबी के जो इंटेलिजेंस है, जो एडीजी सौरभ श्रीवास्तव हैं, डीजी आलोक त्रिपाठी हैं और एडीजी दिनेश हेमैन हैं, वो इस पूरे प्रकरण के ऊपर नजर बनाए रखे हुए हैं। और हो सकता है अगर एसीबी को लगता है तो एसीबी इस प्रकरण में कुछ बड़ा खुलासा भी कर सकती है। ये एक आज की सबसे बड़ी खबर एसीबी मुख्यालय से। नवीन, कहा यह जा रहा है कि तकनीकी माध्यम से भी कोशिश की जा रही है पता लगाने की, किस तरह से एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने तमाम बातें कही है, क्या कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो इस पूरे केस से सामने निकल कर आई हैं? देखिए, उन्होंने सौरभ श्रीवास्तव से जब फर्स्ट इंडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास महेश जोशी जी का पत्र आया था, जो मुख्य सचेतक है, उनका पत्र आने के बाद में हमने इस पत्र की जांच की, और जांच करने के बाद में अभी एफआईआर प्राथमिक तौर पर जो सोर्स इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो दर्ज कर ली है, और दर्ज करने के बाद में जो तकनीकी माध्यम है उससे पता लगाएगी, और जो इंटेलिजेंस है एसीबी की वो भी इस पूरे प्रकरण में काम करने में लग गई है। कल शाम से ही एसीबी की इंटेलिजेंस टीम है जो काम कर रही है, जो एसीबी इंटेलिजेंस के जो एडिशनल एसपी है सीपी शर्मा, वो इस पूरे प्रकरण के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। और वही हमें विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी एसीबी इस प्रकरण में कुछ खुलासा कर दे और उसके बाद इस पूरे खेल का भी पर्दाफाश हो सकता है। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर रहेगी। नवीन, महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए एडीजी सौरभ श्रीवास्तव ने क्या कुछ जानकारी दी, और एसीबी मुख्यालय से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे सहयोगी नवीन, तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से पत्र लिखा गया है और क्या कुछ अब जाँच होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जाँच के माध्यम से क्या कुछ सामने आता है।